नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो कि अटपटी रही थी, और उन्हीं में से एक था सुशांत सिंह राजपूत का उस टाइम पर दरवाजा खोलना जिस टाइम पर सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे, लेकिन फिर भी लोग तमाशबीन बने रहे और वो सुशांत सिंह राजपूत के इस दुनिया से जाने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ खड़े होकर नजारा ही देख रहे थे। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को समझ में आने वाला है कि कैसे कुछ लोगों ने जहां सुशांत सिंह राजपूत तड़प रहे थे तो उस टाइम पर भी सुशांत सिंह राजपूत के जाने का फायदा उठाया। जी हाँ, आपको बता दें, इसमें सबसे बुरी तरह से अगर कोई फंसता हुआ नजर आता है तो वो है सिद्धार्थ पिठानी, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी सुशांत सिंह राजपूत के बेहद ही करीब रहा करता था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत सिंह राजपूत के दरवाजे को वो भी उस टाइम पर खोलने में देरी की जिस टाइम पर सुशांत सिंह राजपूत तड़प रहे थे और इस दुनिया को छोड़ने वाले थे। मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी इंसान होता और उसे पता चलता कि उसका एक साथी जो कि तड़प रहा है और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है उसे बचाना चाहिए, तो निश्चित तौर पर कोई भी जा करके और उस टाइम पर दरवाजा तोड़ देता। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी की अकल देखिए, सिद्धार्थ पिठानी ने उस टाइम पर दरवाजा नहीं तोड़ा बल्कि चाबी वाले को फोन करके और फिर बुलाना चाहा ताकि चाबी से दरवाजे को खोला जाए। अब यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ पिठानी ने पहले जब चाबी वाले को फोन किया तो एक ताले की फोटो खींचकर और चाबी की फोटो खींचकर भेजी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सिद्धार्थ पिठानी ने जो फोटो भेजी थी वो पूरी तरह से फोटो गलत थी। और जिसके बाद जब चाबी वाला आता है सुशांत सिंह राजपूत के दरवाजे को और लॉक को देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है और उसको समझ में नहीं आता कि आखिर सिद्धार्थ पिठानी ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला और नकली चाबी की फोटो क्यों भेज दी। इसके बाद फिर चाबी वाला किसी भी तरह से एक और नई चाबी वहीं पर तैयार करता है और फिर वो सुशांत सिंह राजपूत के कमरे को खोलने की कोशिश करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब तक सुशांत सिंह राजपूत का कमरा खुलता तब तक बहुत ज्यादा देर हो जाती है और फिर सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अगर सिद्धार्थ पिठानी ने उस वक्त लापरवाही ना दिखाई होती और टाइम रहते ही दरवाजे को तोड़ दिया होता तो शायद सुशांत सिंह राजपूत को बचाया जा सकता था। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही सुशांत सिंह राजपूत केस में बरती गई और उसके बाद एक ऐसे शरीफ इंसान को खत्म कर दिया गया जो कि जिंदगी जीने के लिए डिजर्व करता था और जो कि बॉलीवुड में नाम कमाने के लिए डिजर्व करता था। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के साथ जिस तरह से षड्यंत्र रचा गया, ऐसा लगता है कि उनके साथ राजनीति खेली गई है और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को खत्म किया गया है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत यूं ही अचानक से इस दुनिया को छोड़कर नहीं गए बल्कि उनके खिलाफ बहुत सारी बड़ी साजिशें रची गई होंगी, तभी तो सीबीआई को इतना टाइम लग रहा है अभी भी इस केस को सुलझाने में। सीबीआई अभी तक यह भी नहीं समझ पाई है कि सुशांत सिंह राजपूत को किसने और किस तरीके से खत्म किया है और क्यों किया है। तो आप सभी समझ सकते हैं, सीबीआई जो कि हमारे देश की सबसे प्रतिष्ठित जांच एजेंसी है, उसको अगर इतना टाइम लग रहा है इस केस को सुलझाने में तो कितना शातिर तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को खत्म किया गया होगा। मैं आपको बता दूं, आप सभी यह समझने की भूल मत करना कि सीबीआई इस केस को बंद कर चुकी है। सीबीआई अभी भी इस केस को चालू रखे हुए है और सीबीआई लगातार दिन रात इस केस में एक के बाद एक अपडेट देती रहती है और जैसे जैसे कोई बड़ी बातें सामने आती हैं तो हम आपको बताते भी हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करके इसे और लोगों के साथ भी शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।